हे कृष्णा, आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के दिन में। आज हमारा पुरी में आखिरी दिन है। हम आज रात को मायापुर के लिए निकलेंगे, श्रीधाम मायापुर के लिए। तो अभी इस समय जहाँ पे हम अपने आखिरी दर्शन स्थली पे आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का भी आखिरी स्थल था। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी जगह है? इस जगह का नाम है टोटा गोपीनाथ मंदिर। यहाँ पे गोपीनाथ के बहुत सुंदर विग्रह हैं, जिसके बारे में भी हम सब सुनेंगे कि विग्रह इतने सुंदर और इतने यूनिक क्यों है। सबसे विश्व पूरे ब्रह्मांड में मेरे ख्याल से ऐसे विग्रह यहीं पे ही होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है विग्रह में? भगवान के विग्रह सब तो एक जैसे होते हैं, फिर अलग क्यों है? पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय इस डीटीज का नाम टोटा गोपीनाथ क्यों है। तो हम ये देखेंगे, ये गार्डन है। अभी तो ये गार्डन थोड़ा आपको सुंदर नहीं लग रहा, बट जब महाप्रभु के टाइम पे गार्डन बहुत सुंदर होता था। महाप्रभु यहाँ आया करते थे और यहाँ पे गदाधर पंडित रहते थे। गदाधर पंडित पंच तत्व में से महाप्रभु के पार्षद हैं और श्रीमती राधा रानी स्वयं हैं। वो महाप्रभु के संग गदाधर पंडित के रूप में आई थी और उन्होंने श्रीमती श्री चैतन्य महाप्रभु के संग इस लीला में भाग लिया था। तो आइए एक बार देखते हैं कि आखिर टोटा गोपीनाथ के व्यक्ति यूनिक क्यों है। मंदिर में हमें मोबाइल ले जाना अलाउ तो नहीं है, तो हम अंदर मोबाइल तो फोटो क्लिक्स नहीं कर सकते हैं, बट एक बार मंदिर का गेट देखते हैं, जो कि बहुत सुंदर गेट है। अब बात है कि आखिर इन डीटीज को इतना यूनिक क्यों बोला जाता है। तो अगर हम आपको कैमरे पे नहीं दिखा सकते, तो हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो विग्रह है भगवान गोपीनाथ के, ये विग्रह बैठे हुए विग्रह है। मेरे ख्याल से आपने आज तक कोई विग्रह, कोई डीटीज ऐसे देखे नहीं होंगे जो बैठे हुए हैं। भगवान के सारे विग्रह कैसे होते हैं? त्रिभंग ललिता, मतलब तीन जगह से बैंड हुए हुए खड़े हुए भगवान, टेढ़े खड़े हुए भगवान है। किंतु जाओ यहाँ पे जो डीटीज है उसमें भगवान बैठे हुए हैं। अब ऐसा क्यों? भगवान ने यहाँ बैठे हुए क्यों है ऐसे विग्रह? तो पहले हम सुनते हैं कि किस तरीके से हमें विग्रह प्राप्त हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आया करते थे अद्वैत गदाधर पंडित के पास, और एक दिन उन्होंने यहाँ पे कुछ खुदाई करनी स्टार्ट करी, तो उनको कुछ विग्रह के ऊपर का सर का हिस्सा दिखने लग गया। तो उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे तो कुछ है। उन्होंने गदाधर पंडित को बुलाया, यहाँ पे खुदाई करी, तो यहाँ पे टोटा गोपीनाथ के विग्रह निकले। गोपीनाथ के विग्रह निकले, उन्होंने महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से उनको निकाल के यहाँ विराजमान किया। फिर महाप्रभु के जाने के बाद जब गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। दिक्कत क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित की उम्र बहुत ज़्यादा थी, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इतने बड़े डीटीज अंदर काफ़ी बड़े हैं। उन डीटीज बड़े डीटीज के खड़ी होकर सेवा करना बड़ी मुश्किल होती थी। उनको माला पहनाना, उनका श्रृंगार करना, ये गदाधर पंडित के लिए एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि वो बॉडीली उससे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक दिन क्या हुआ, गोपीनाथ अपनी सेवा कराने के लिए गदाधर पंडित के, कि ताकि गदाधर पंडित उनकी सेवा अच्छे से करें, वो बैठ गए। अब सोचिए भगवान अपनी भक्तवत्सलता कैसे दिखा रहे हैं। भगवान अपने विग्रह रूप में हैं और वो बैठ गए वहीं पे ही, ताकि गदाधर पंडित उनकी अच्छे से सेवा कर सके। तो ये अंदर विग्रह है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। इसमें राधा रानी विशाखा के हैं, इस यहाँ पे बलराम जी हैं अपनी वाइफ के संग वरुणी और रेवती के साथ। तो यहाँ से शायद आप थोड़े से विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से हमें गेट से भगवान के विग्रह दर्शन हो रहे हैं। आप लोग कैमरे में नहीं हो पा रहे होंगे, पर यहाँ से भी दर्शन हो रहे हैं भगवान के, जिसमें भगवान बैठे हुए हैं। उनके साथ में ललिता और राधा रानी है। और यहाँ पे ललिता और राधा रानी बड़ी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ललिता और राधा रानी ब्लैक कलर में है। अब ये क्या नई बात है? अब राधा रानी कैसे ब्लैक हो गई, ललिता कैसे ब्लैक हो गई, और उनका किस आकार में खड़ी है? ललिता बांसुरी बजाते हुए हैं और राधा रानी वीणा बजाते हुए हैं। तो उस समय वो श्याम के रस में इतना ज्यादा थी, इतना ज्यादा भाव विभोर हो गए थे कि उन्होंने भगवान का जो रंग है, भगवान का जो वर्ण है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। तो राधा रानी ब्लैक हो गई थी। कई बार ऐसी लीलाएं हुई हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने राधा रानी का कलर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये बहुत ही ट्रांसेंडेंटल लीला है भगवान की। अंदर हम डीटीज के दर्शन ऐसे नहीं कर सकते, बट हम डीटीज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत जगह है। और इस साथ में महाप्रभु की सबसे आखिरी अपनी पूरी लीला को जो समापन स्थली है, जहाँ पे आखिरी महाप्रभु रहे थे, वो भी ये है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने अपनी पूरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला थी, वो इसी जगह पे समापन करी थी। उन्होंने श्री टोटा गोपीनाथ के घुटनों में जाके अपने आप को उसमें मिला के अपनी लीला को समापन किया था। तो इसलिए ये डीटीज अपने में बहुत यूनिक है, ये जगह भी अपने में बहुत यूनिक है। साथ में हमारे लिए भी आज हम अपनी पूरी की जो आखिरी दर्शन स्थली है पूरी यात्रा की, वो भी टोटा गोपीनाथ में कर रहे हैं। तो ये सफ़र हमारे लिए बहुत अच्छा रहा पुरी का। आज रात को हम मायापुर निकलेंगे और कल श्रीधाम मायापुर में हम लोग अलग अलग जगह पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।